हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेकर आ गया हूँ संडे का शेफ। मेरा नाम है तपन। आज हम बनाएंगे पनीर चिली विद जिंजर राइस। ये जो है गुडीज कैफेटेरिया जो है बड़ौदा में, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मिलता है, मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि चलो ना आज पनीर चिली विद जिंजर राइस ही ट्राई करते हैं। तो किस तरह से उसको बनाते हैं सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज संडे के शेफ में। चले दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल करेंगे, उसमें हम ये जो पनीर है ये पनीर को ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर पनीर को जो है वो डीप फ्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। गाइस, तो यहाँ पर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ उसमें थोड़ा हम हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको धीमे से बड़ी फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। ओके गाइस, हमारा जो पनीर है वो हो चुका है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो ऑयल है वो लिया हुआ है, उसमें हम फाइन चॉप गार्लिक जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। फ्लेम जो है हम धीरे रखेंगे, उसमें हम थोड़ा सा जिंजर भी ऐड करेंगे। जिंजर यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जिंजर को ऐड करने के बाद गार्लिक और जिंजर जो है उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, उसमें हम ये जो ऑनियन शेल्स है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज के ऑनियन लिए हुए हैं, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कैप्सिकम डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कैप्सिकम पसंद नहीं है तो मैंने कैप्सिकम इसमें ऐड नहीं किए हुए। जैसे कि ये पनीर चिली है और हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर चिली भी डालेंगे। चिली को इस तरह से ग्रीन चिली को मैंने कट किया हुआ है, ताकि अगर हमको खाते खाते निकालना है तो हम उसको अच्छे से निकाल भी सकते हैं, साइड में कर सकते हैं। उसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं वाइट स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड करूँगा। इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, साथ ही साथ सोया सॉस हम ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे जो फ्लेम है वो हम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन जो है वो भी थोड़ा ऐड करेंगे, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी हम उसमें ऐड करेंगे, आप आपके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए आप इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर नींबू के फूल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी आप थोड़ा उसमें टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा हल्का सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे हम यहाँ पर, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा जो ये पनीर चिली है उसका जो ग्रेवी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन रहा है, पर उसकी जो थिकनेस है वो इतनी गाढ़ी नहीं हुई है, तो हमको थिकनेस को बढ़ाना है। और थिकनेस बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे ये कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है और कॉर्नफ्लोर हम उसमें मिलाएंगे। मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें उससे पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए कि सब कुछ आपने अच्छे से डाला हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक बार कॉर्नफ्लोर जाएगा उसके बाद उसको मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद हम उसको थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए यहाँ पर जो ग्रेवी है वो एकदम से थिकनेस उसकी अच्छी हो रही है,
और साथ ही साथ फिर हम ये जो पनीर हमारा है ऑलरेडी हमने जो उसको शैलो फ्राई किया हुआ है पनीर, वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, यहाँ पर फ्लेम थोड़ा मीडियम करेंगे और ये जो पनीर चिली है हम उसको खाएंगे जिंजर राइस के साथ। तो ग्रेवी जो है वो अच्छी खासी हमने यहाँ पर बनाई है ताकि हम राइस के साथ पूरा लुफ्त उठा पाए उसका। तो यहाँ पर हमारा पनीर चिली जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिंजर राइस है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिंजर राइस किस तरह से बनाया जाता है। हमने ऑलरेडी जो राइस है उसको यहाँ पर बॉईल करके रखा हुआ है, तो हम उसको जिंजर राइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून जितना जो आपके हिसाब से आपका क्वांटिटी है उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑयल लीजिए। उसमें ये फाइन चॉप किया हुआ जो जिंजर है वो मैं ऐड करूँगा। हमको गरम तेल में नहीं ऐड करना है ज़्यादा, इसलिए उसको तुरंत ही ऐड कर देना है। उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो, उसके बाद हम अपना जो ये राइस है उसको ऐड करेंगे उसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने राइस में नमक नहीं डाला है तो आप ये टाइम पे थोड़ा नमक ऐड कर लीजिए, जिससे टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। सो गाइस, काफी मेहनत करने के बाद फाइनली तैयार है हमारा पनीर चिली विद जिंजर राइस। चलिए टेस्ट करके बताता हूं मैं कैसा बना है। बिल्कुल मतलब गुड़ीज की टक्कर का बना है। सो गाइस, पहली बार मैंने ये ट्राई किया है, तो आप भी घर पे ये रेसिपी जरूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनेगी और फिर मुझे बताएगा कि कैसी रही आपकी ये रेसिपी। चले तो नेक्स्ट संडे फिर एक रेसिपी के साथ मैं यहाँ पर आपको मिलूंगा। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रेसिपी मैं ट्राई करूं तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सजेशन हो वो भी बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।